feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. इस समय की बात तो छोड़िए, और करना क्या है, उसकी सही उम्र क्या है वो छोड़िए, जब यही नहीं पता करना क्या होता है। तो सही समय और सही उम्र किसी काम को करने की, कोई आप अगर ढूंढ रहे हैं कि आप कोई डिक्शनरी देगा आकर के, या कोई आपको एक आप कोई ऐसा वैलिडेटेड पेपर ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको लिखा हो कि ये काम इस एज पर, ये काम इस एज पर, ये काम इस एज पर, या अपने सेल्फ परसेप्शन से आपने अपने माइंड में हर चीज की कुछ कुछ चीजें बैठा रखी हैं। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल कि स्कूल के बाद अगर हमें लाइफ में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो स्कूल के बाद कॉलेज में हम सुनते हैं स्टार्टअप, तो कॉलेज में करेंगे। तो कॉलेज खत्म होने के बाद फिर हम जॉब स्टार्ट करेंगे, इस एज तक हम ये करेंगे, फिर हम शादी, फिर ऐसे ऐसे। तो ये भी जो एक सेल्फ परसेप्शन में आपने जो एक अपने माइंड में सोसाइटी के हिसाब से पेपर बनाया हुआ है, कायदे से एक जो लेस ऑर्डिनरी आदमी है उसके लिए ये सही ना टाइम है, ना ये सही उम्र है कि सेट परसेप्शन से चलना। क्योंकि अगर वो इस सेट परसेप्शन से चलेगा जैसे हर कोई चलता है, तो वो लेस ऑर्डिनरी नहीं बन सकता, वो ऑर्डिनरी ही रहेगा। लेस ऑर्डिनरी बनने के लिए और लेस ऑर्डिनरी के लिए सही टाइम और सही उम्र किसी भी काम को करने की वो है जिस दिन आपने उस काम में एक बारी अपना हाथ जला लिया। मतलब यू हैव टेकन एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट एरिया। अब यहां इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है, एक्सपीरियंस भी दो टाइप के होते हैं। आज की डेट में जब हम इस स्लेवरी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं, तो लोगों के लिए एक्सपीरियंस की डेफिनेशन बदल चुकी है। अगर हम उसको बोलते हैं कि जी आप एक्सपीरियंस ले लो मैनेजमेंट का, तो वो 3 साल एमबीए कहीं से कर लेगा, 2 साल एमबीए कहीं से कर लेगा, और एमबीए करने के बाद एमबीए की डिग्री इस चीज का प्रमाण है कि जी मेरे को एक्सपीरियंस है। अगर हम कहीं बोलेंगे कि भाई आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, तो उसका मतलब है कि जी मार्केटिंग प्रोफाइल डेजिग्नेशन के अंडर अगर मैंने किसी में जॉब कर ली, किसी कॉरपोरेशन में या किसी बॉडी में जॉब कर ली, तो उसका मतलब एक्सपीरियंस। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज ऑल नॉट एन एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर यही सब एक्सपीरियंस होता और यही बात अगर मैं भी मान लेता, तो मैं भी एक ऑर्डिनरी लेस ऑर्डिनरी नहीं बन पाता। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपना ही शेयर कर देता हूं पर्सनली।
एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि भाई आप हमेशा, ये एक परसेप्शन होती है कि हम जब ज्ञान बांटते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि ज्ञान हमेशा तब बांटा जाता है जब आप एक चीज में ज्यादा समय के बिता चुके हो और आपसे कोई छोटा है जो उस चीज में नया नया आया है। बट ये मेरे को कभी भी समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा, अगर हम एक्सपीरियंस वर्ड को समझे तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? किस आदमी ने कितना ज्यादा उसका अध्ययन करा, यानी कि अपना हाथ जलाया, प्रैक्टिकली उसको करा। हो सकता है किसी की किसी एरिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, एंड ही इज डैम पैशनेट अबाउट इट। वो पागलों की तरह दिन रात लगा करके 2.5-3 महीने में उसके अंदर घुस गया, उसने वो समुद्र में उस लेवल के गोते लगा लिए जो आदमी 2 साल में नहीं लगा पाया। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरी इंजीनियरिंग करने के दौरान जब मैं 3rd साल के अंदर था, तो 3rd साल के अंदर, क्योंकि 2nd ईयर में मैंने अपनी वेंचर कंपनी स्टार्ट कर दी थी जो छोटे से लेवल पे हुई थी, जो आज एक ग्रुप ऑफ कंपनी है और उसके अंदर बहुत सारे लेस ऑर्डिनरी लीडर्स बन चुके हैं। तो 3rd साल में उसके साथ हमारी एक ट्रेनिंग विंग भी होता था, ट्रेनिंग कंपनी भी होती थी। तो प्रैक्टिकली अध्ययन कर करके हमने एक प्रोजेक्ट करा था, लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन और वेब होस्टिंग कंपनी कैसे बनाते हैं अपनी। तो मैं था और मेरे साथ मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड हितांशु, वो दोनों थे। तो हमने इस पे बड़ा अध्ययन कर लिया था प्रैक्टिकली, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने इतना अध्ययन कर करके उसको इतना कर लिया था कि जिन लोगों ने इस एरिया में बहुत बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन ली हुई थी, जो 5-5 साल से लोगों को पढ़ा रहे थे, उनको भी इतना नहीं आता था। ये हमने खुद जाके एक्सपीरियंस करा। तो जब हमने इतना अध्ययन कर लिया था, तो हमारे मन में ये एक विचार आया कि यार हमारे पास जो इतना एटलीस्ट ज्ञान है, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी मेकिंग, बट इतना ज्ञान है, बच्चे बाहर जाते हैं, दिस इज ऑल्सो वी लुक्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, कि इंजीनियरिंग के बच्चों को 3rd ईयर में ट्रेनिंग करनी होती है और ट्रेनिंग के लिए वो बाहर जाते हैं, खाना पूर्ति के लिए वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये सेम प्रोजेक्ट का ज्ञान हम प्रैक्टिकली लोगों को दे देते हैं, बच्चे ज्यादा खुश भी होंगे। मैं खुद भी उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वॉज इन 3rd ईयर। तो हम इंजीनियरिंग के ही बच्चों को ये दे देते हैं, तो इंजीनियरिंग के बच्चों को दे देते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आखिरी में आदमी ये भी खुश होगा कि मुझे आता है इसको करना, मेरे पास सिर्फ कागज नहीं है, मेरे पास कागजी ज्ञान नहीं है। तो बस सिंपल सा यही विचार था, क्योंकि मेरे पास वो कभी नोशन नहीं थी ना कि पहले वो जाएंगे। मेरे पास ये नोशन थी कि जब मैंने कंपेयर करा कि एक 5-10 साल पुराना आदमी है, उससे ज्यादा प्रैक्टिकली मैंने इसको कर लिया, तो क्यों ना करा जाए। तो हमने एक छोटा सा, हमारा ऑफिस होता था वेस्ट दिल्ली जनकपुरी में, उसके अंदर हमने इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया। और इत्तफाकन क्या हुआ कि ये खबर करते करते कहीं ना कहीं से, ये मैं जिस कॉलेज का पास आउट हूं, आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वहां भी पहुंच गई। एंड दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू अनबिलीवेबल फॉर एनी नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन। उस समय मेरे लिए भी बड़ा अजीब सा था, मुझे भी हंसी आ रही थी अपने आप पे। वो ये कि मैं 3rd ईयर में हूं और आपके जो कलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो आप ही के साथ 3rd ईयर में है, जैसे मुझे ट्रेनिंग करनी है उनको भी ट्रेनिंग करनी है। फर्क ये था, हम उस समय ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने कहा हम अपना सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से दिखा देंगे, हमें तो याद ही है, हमने तो पहले करा है। तो हमने उस समय सोचा कि ट्रेनिंग ज्ञान बांट लेते हैं, औरों को भी ट्रेनिंग करनी थी। तो उनके पास कहीं से खबर पहुंच गई कि भाई ऐसी ऐसी एक कंपनी है इनोवेटिव सॉल्यूशंस, और वो इसी एरिया में ट्रेनिंग करा रही है और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी क्लास के 17 कलीग्स हमारे ही ऑफिस पे पहुंच गए ट्रेनिंग लेने। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, मैं 3rd ईयर में हूं, मेरे ही कलीग्स हैं, कोई आदमी सामने वाला डाइजेस्ट कर सकता है कि आप एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और आप उसी क्लास के एक आदमी से ट्रेनिंग ले रहे हैं? नो वन कैन डाइजेस्ट इट। बट द फैक्ट इज, ये बात अभी हम रिसेंटली, आज से 2-3 साल पहले, इंजीनियरिंग खत्म होने के 1 साल बाद हम सारे फ्रेंड्स बैठे तो ये बात खुली। बट द फैक्ट इज, 3rd ईयर में मेरी क्लास के मोर देन 10 कलीग्स ने जो ट्रेनिंग करी और जो सर्टिफिकेट लिए ना, वो मेरी ही कंपनी से लिए जो स्टार्टेड थी, और उसी के उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। और ये जब बात खुली तो ये इतनी शॉकिंग थी सब लोगों के लिए कि यार, मतलब यार ये तो, कि मतलब ये क्या हो गया हमारे साथ। बस फर्क ये था कि उनकी ट्रेनिंग के वक्त मैं कभी ऑफिस में नहीं होता था, बिकॉज
वन कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आज भी उनके पास वो जो सर्टिफिकेट है वो मेरी कंपनी के हैं, बस उस पर साइन जो है वो मेरे फ्रेंड के, क्योंकि मैं कर नहीं सकता। सो द आइडिया इज एक्सपीरियंस इज ऑलवेज, एक्सपीरियंस इज नेवर एवर कि आपने एक चीज में टाइम बिताया और उसका मतलब है कि आपको एक्सपीरियंस आ गया, नाउ यू आर सर्टिफाइड टू डू इट। अगर आपकी ये सोच और ये परसेप्शन है देन यू विल बी जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। इफ यू रियली वॉन्ट टू बी लेस ऑर्डिनरी फॉर एनी एरिया और एनी फील्ड, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट इज प्रैक्टिकली आपको अपना हाथ जलाना है उसमें, दैट मीन्स यू हैव टू रियलाइज इट। अगर आपने उसमें प्रैक्टिकली हाथ जला लिया, चाहे आपने जलवा लिया आठवीं क्लास पे, तो वही आपके लिए सही समय है और सही उम्र है। सो द ओनली वे टू डिटरमाइन द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट एज इज स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, बर्न योर हैंड प्रैक्टिकली, अपने हाथ को जलाओ, प्रैक्टिकल अध्ययन कर लो। जिस दिन प्रैक्टिकल अध्ययन हो गया उस काम का, वही सही उम्र है और वही सभी समय है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी काम को मुझे आज से एक साल के अंदर शुरू करना है, तो सीधा सा है, आज से ही पागलपन ले लो अपने सर में और सवार हो जाओ उसको करने के पीछे, और एक साल तक अपना प्रैक्टिकली हाथ जला लो, वही सही समय है और सही उम्र है। क्यों? क्योंकि जिसने हाथ जलाया होता है उसको पता है कि इसके क्या इन है और क्या आउट है, और वो आदमी अपने आप भीड़ से अलग बन जाता है, जैसा मेरे साथ खुद हुआ। सो द आइडिया इज फॉर नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग एनी आइडिया, एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ एंड यू फील कि नहीं मैं अभी नहीं करता, बड़ी बारी होता है मन आता है कि यार चलो इसको करते हैं, बट आपको लोग कह देंगे भाई क्या जल्दी हो रही है, अभी तेरी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ ले। किसी चीज को प्रैक्टिकली करना क्या पढ़ना नहीं है क्या? हमारी ऐसी परसेप्शन क्यों बन गई है कि किताब खोल के बैठना और ऐसे ऐसे रीड करना, इसी को हम पढ़ना मानते हैं। पढ़ने का मतलब है एक्सपीरियंस करना, लाइफ को एक्सपीरियंस करना, उस एरिया को प्रैक्टिकली हाथ उसमें अपना जलाना, इसी को सबसे बड़ी पढ़ाई बोला गया है। एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रू नॉलेज विच विल मेक यू लेस ऑर्डिनरी। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे कि सही समय और सही उम्र तो आज पता लग गई किसी काम को करने की क्या है, अब नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे कि एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि ये अपने आप में एक और डायमेंशन है लेस ऑर्डिनरी इन्वोक करने की। क्यों? क्योंकि आज 100% लोगों में से 95% पीपल डोंट नो व्हाट टू डू। 95% लोगों को, इवन मैं कहूं तो शायद मेरे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, ये 98 का आंकड़ा होगा, 98% लोगों को ये भी नहीं पता करना क्या है। तो नेक्स्ट एपिसोड में इस चीज को समझेंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ये कैसा पता लगे वो चीज हमारे लिए बेस्ट है, वो चीज हमें बेस्ट लेवल तक ले जा सकती है, तो हमें करना क्या है ये हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव एंड आई रियली लव यू ऑल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।